नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द स्टोरी का पर। साथियों, CVET PG BHU के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है BHU में। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे BHU से, तो वो लोग काफ़ी दूर हैं अभी यहाँ पर प्रवेश पाने में और उन्होंने लगभग अपनी उम्मीदें छोड़ भी दी है। तो आज गीता जयंती है और गीता के एक श्लोक के माध्यम से हम उन सभी लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे जिनका एडमिशन BHU में हो गया है, या फिर जिनका नहीं हुआ है, या फिर BHU को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर हुआ है। तो गीता में दूसरे अध्याय में एक श्लोक का वर्णन किया गया है। श्लोक ये है कि यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक तो मुझे याद है, इसका अर्थ मुझे देखना होगा तो मैं आप लोगों को देखकर ही बताऊंगा। तो इसका अर्थ जो है कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी कि अगर आपका BHU में एडमिशन हुआ तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। ऐसा गीता में कहा गया है कि आप अपने बुद्धि को तभी स्थिर रख सकते हैं अगर आपको शुभ या अशुभ किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो, तो आप अपने बुद्धि को स्थिर रखे रहें। आज या कल वो बेहतर होगा ही, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हो वहीं से बेहतर करो, अपनी बुद्धि को स्थिर रख के बेहतर करो। बाकी आप लोग भी चाहो तो गीता का अध्ययन कर सकते हो। इसके साथ हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम आप लोगों को दो तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। पहली जानकारी ये है कि JNU के लिए अभी जितने भी बच्चों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, तो कल भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन JNU में हुआ है। हिस्ट्री से भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा हो गया। तो अभी JNU का भी एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, साथ में क्लासेस वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं और जैसे जैसे बच्चे छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे बाकी लोगों को मौका मिलते जाएगा। अब अगर हम BHU की बात करें तो BHU LLB की सबसे पहले बात करते हैं। तो LLB में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, साथ ही आज से हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो LLB के लिए शुरू हो चुकी है और जल्द ही यानी कि एक दो दिनों में LLB LLM सबके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। बाकी आज LLB में बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिला है। अगर हम आर्ट्स और सोशल साइंस के कोर्स की बात करें तो संस्कृत वगैरह में हॉस्टल मिलने लगा है, इंग्लिश में हॉस्टल मिलने लगा है, या फिर जितने भी लैंग्वेज के कोर्स थे, बंगाली हो गए और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें भी जो भी सीट हैं हॉस्टल के लिए वो बच्चों को मिलने लगी हैं। साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी BHU में चलते हैं उनको भी हॉस्टल मिलता है, लेकिन अभी उनके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, कुछ कुछ के लिए कर दी गई है, बाकी अभी होनी बाकी है। तो आप लोग पोर्टल को लगातार चेक करते रहें। अगर आप ज़्यादा दूर से हैं या फिर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपने पोर्टल को देखते रहिए कि आपको हॉस्टल कब मिलता है। बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी वगैरह के लिए भी हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो एक दो दिन मतलब हिस्ट्री के लिए तो शुरू हो चुकी है, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो जल्द ही शुरू हो जाएगी। साथ ही हम MSc वगैरह के जितने भी कोर्स की बात करें तो हो सकता है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए। और BHU मेन कैंपस की जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। एफिलेटेड कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज में ही हो रहा है और लगभग सभी की जो कक्षाएं हैं वो 10 तारीख से नियम पूर्व चलने लगेगी। यानी कि जो कक्षाएं हैं आपकी 10 तारीख से रेगुलर हो जाएंगी, नियमित तौर पर आपकी क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो आप अगर इंतज़ार में हो कि आपको मेल जाएगा तो हो सकता है कि मेल ना भी जाए। वैसे कोशिश करते हैं लोग कि मेल भेज दें, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास तक मेल नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग अपना पोर्टल चेक करते रहिए, ग्रुप जो कुछ भी बना है वहां से अपडेट लेते रहिए कि आपका क्लास कब से शुरू होगा। या BEd वगैरह में अभी भी एडमिशन चल रहा है एफिलेटेड कॉलेज के लिए, तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो पोर्टल चेक करते रहिए, क्योंकि कल भी बहुत सारे बच्चों का BEd में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। तो अभी एडमिशन चल रहा है। और एक प्रश्न आप लोगों का बार बार आ रहा है कि स्पेशल BEd और जनरल BEd में क्या अंतर है। तो देखिए, स्पेशल BEd जो है उसमें जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जनरल BEd में हमारे और आपके जैसे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि पढ़ाना दोनों में ही है। यह है कि वैकेंसियाँ थोड़ी सी कम आती हैं और सीटें काफ़ी कम होती हैं स्पेशल BEd किए हुए बच्चों को। तो अगर आप स्पेशल BEd को सोच रहे हो तो कर सकते हो, और स्पेशल BEd में भी एडमिशन मिल जाता है बहुत सारे बच्चों को जिनका जनरल BEd में नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। और जल्द ही हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं CVET PG 2023 के लिए,
तो अगर आप 2023 की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप दोबारा से पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो हम कुछ विषयों के कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आप हमसे जुड़ के आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमने हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग भी चाहते हो तो हमसे जुड़कर अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।